किसी महापुरुष ने कहा है कि देख बेटिया, भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो कोल्हू के बैल की तरह एक जगह पे बैठ के चक्की पीसने के लिए नहीं बनाया है। अरे इंसान को तो नई नई जगहों पे जाना चाहिए, पर्वत पे चढ़ना चाहिए, नदियों समुन्द्र में तैरना चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए, नए नए अनुभव करने चाहिए। ये सुन के हम भी निकल पड़े। पर माँ ने कहा था कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इसी को ध्यान में रख के ये खुशियाँ आपके साथ बांट रहे हैं। 10 ऐसे वाटरफॉल जो हमने अपने भ्रमण काल में एक्सप्लोर किए हैं, जो सूरत वालों के लिए तो इतना नज़दीक है कि सुबह गए और शाम को वापस। हमारी लिस्ट में सबसे पहला है जूनाघाटा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल राजपिपला के पास और सूरत से अप्रॉक्स 120 किलोमीटर दूर है। मैप में जैसे ही नाम डालोगे लोकेशन मिल जाएगा। अगर आपको लेस क्राउड पसंद है और शांति चाहते हो तो ये जगह आपके लिए है। रस पत्थर वाटरफॉल। ये वाटरफॉल पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है और सूरत से अप्रॉक्स 112 किलोमीटर दूर है। वाटरफॉल से पहले 2-3 किलोमीटर का एक छोटा ट्रैक है, तो आपको यहाँ वाटरफॉल और ट्रैक दोनों का मज़ा एक साथ मिल जाएगा। यहाँ पे पानी की गहराई कम है, इसलिए आप वाटरफॉल में नहाने का मज़ा उठा सकते हो। अगर हो सके तो संडे को यहाँ जाना अवॉइड करें, वरना आपको कुंभ के मेले का अनुभव हो सकता है। जैसे हर मूवी का क्लाइमैक्स जबरदस्त होता है, वैसे ही हमारी लिस्ट का भी है, तो एंड तक कुर्सी से चिपक कर बैठे रहे। मेढा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल सोनगढ़ से नज़दीक है और सूरत से अप्रॉक्स 104 किलोमीटर दूर है। वाटरफॉल से पहले 2-3 किलोमीटर का एक खूबसूरत ट्रैक है, यहाँ पे आप वाटरफॉल में नहाने का मजा भी उठा सकते हो। यहाँ पहुँचने के लिए बारडोली व्यारा सोनगढ़ ये वाला रूट पकड़ सकते हो, और आपकी सरलता के लिए सारे वाटरफॉल की लोकेशन हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। चिमेर वाटरफॉल। ये वाटरफॉल गुजरात के सबसे बड़े वाटरफॉल में से एक है। ये जगह सूरत से अप्रॉक्स 117 किलोमीटर दूर है और वाटरफॉल पे पहुँचने के लिए पहले पहुँचिए चिमेर गाँव। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है चिमेर वाटरफॉल। बारडोली व्यारा सोनगढ़ ये रूट पकड़ के आप यहाँ आ सकते हो। गिरमल वाटरफॉल। एक और वाटरफॉल जो गुजरात के सबसे बड़े वाटरफॉल में आता है। इस वाटरफॉल की हाइट लगभग 150 फीट है और ये वाटरफॉल गिरा नदी के ऊपर है, इसलिए इसे गिरमल वाटरफॉल कहा जाता है। सूरत से अप्रॉक्स 137 किलोमीटर की दूरी पर यह वाटरफॉल आया हुआ है। गिरमल वाटरफॉल की दूरी चिमर वाटरफॉल से सिर्फ 26 किलोमीटर है, तो आप एक ही दिन में दोनों वाटरफॉल पे जा सकते हो। यहाँ पहुँचने के लिए बारडोली व्यारा सोनगढ़ चिमेर गिरमल वाटरफॉल ये वाला रूट पकड़ सकते हो। जरवानी वाटरफॉल। ये वाटरफॉल धीर खाड़ी नर्मदा में है और यहाँ सूरत अहमदाबाद बड़ौदा हर जगह से लोग आते हैं, क्योंकि ये जगह है ही इतनी खूबसूरत। यहाँ पे वाटरफॉल में नहाने का मज़ा भी आप उठा सकते हो। ये वाटरफॉल सूरत से अप्रॉक्स 153 किलोमीटर पे है। ये जगह केवड़िया वन विभाग के अंडर में आती है और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे पर पर्सन 50 रुपीज़ एंट्री फीस है। अगर आपके पास कार है तो एंट्री फीस लगभग 500 के अराउंड होगी। यहाँ पे भरूच राजपिपला केवड़िया से होकर पहुँच सकते हैं। अगस्त से नवम्बर का समय इस वाटरफॉल का मज़ा उठाने के लिए बेस्ट है। ये सारे वाटरफॉल हम इंसानों की तरह है, कौन कितना गहरा है उसका अंदाज़ा देख के नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए अगर तैरना नहीं आता हो तो ज़्यादा दूर ना जाए, वरना हालत के इंजीनियर के करियर जैसी हो सकती है। और ये भी ध्यान रखें कि हम किसी और के घर जा रहे हैं तो अपना कचरा हम वहाँ ना फैलाएं। साथ एक छोटा बैग रख सकते हैं जिसमें हम अपना कचरा भर सकें। सुरवानी वाटरफॉल। ये वाटरफॉल अभी भी एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है जो एक खूबसूरत जंगल में है। ये वाटरफॉल सूरत से अप्रॉक्स 171 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक छोटा सा पर खूबसूरत जंगल ट्रैक है जो वाटरफॉल तक जाता है। अगस्त से नवंबर के समय में इस जगह की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है।
ये वाटरफॉल केवड़िया से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर है। सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आ रहे हो तो यहाँ पे भी आ सकते हो। अंजनी वाटरफॉल, ये वाटरफॉल सूरत से अप्रॉक्स 158 किलोमीटर दूर है। माना जाता है यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था और उन्हीं के माता जी के नाम से अंजनी वाटरफॉल का नाम पड़ा। शुरुआत में एक हल्का पथरीला ट्रैक है जो आपको वाटरफॉल तक पहुँचाएगा। पर यहाँ पानी ज़्यादा गहरा नहीं है तो आप नहाने का मज़ा उठा सकते हो। आहवा से अंजनी वाटरफॉल लगभग 25 किलोमीटर दूर है। भीगू वाटरफॉल, इस वाटरफॉल को गुजरात का स्वर्ग भी कहते हैं। भीगू वाटरफॉल को कोशमाल वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये वाटरफॉल सूरत से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने का रास्ता काफ़ी एडवेंचर से भरा हुआ है। पहले आप पहुँचे कालीबेल गांव, यहाँ से आपको मिल जाएगी जीप जो सीधा पहुँचा देगी कोशमाल। कोशमाल से वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमने इस जगह का पूरा ब्लॉग बनाया है, वो आप देख सकते हो। शंकर वाटरफॉल, तो ये है हमारी लिस्ट का सबसे आखिरी वाटरफॉल। जैसा नाम है वैसा ही विशाल है ये वाटरफॉल। ये भी गुजरात के सबसे बड़े वाटरफॉल में से एक है। ये वाटरफॉल सूरत से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए पहले मैप में सर्च करिए नाहरी होटल बरुमल, जो विल्सन हिल के पास में ही है। यहाँ से किसी को भी पूछोगे तो रास्ता मिल जाएगा। हमारे सूरत के आसपास ही ऐसी कई जगह है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, तो आने वाले मानसून में ये सारी जगह हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आपको भी नेचर एक्सप्लोर करना है तो सब्सक्राइब करें और साथ बने रहें